एक ही झलक तेरी यादों और बात। आज जी मेरी बर्थडे और मैं आया हूँ ट्रेल 3 पे। 3 दिन पहले मैं गया था 5 पे, बट व्लॉग मैंने खुद नहीं बनाया था क्योंकि वहाँ पे मैं सिर्फ टाइम को एंजॉय करने के लिए गया था। पाकिस्तान और दुनिया पर मैं देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुरू करते हैं न्यू व्लॉग। मैं खो गया ट्रैक क्लियर करने लगे हैं वो ये वाला है, ये आप देखें। मैंने कुछ वीडियो बनाई थी अभी लेकिन जूम की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जो ख़राब सी हो गई है। अभी जो है ये ट्रैक हम क्लियर करके आए हैं, ये इसी तरह का पथरीला ट्रैक था और अब जो हमारी मंजिल है वहाँ पे हमने जाना है और ये ट्रैक क्लियर करना है। साथ साथ आपको मैं मंजर दिखाता रहूँगा। ये जो है पहाड़ की कुछ चोटियाँ हैं और ये इस्लामाबाद का व्यू है। अभी हमने जो यहाँ पे बैठ के सफ़र किया, हमारे साथ जिन्होंने सफ़र किया, जो इस सफ़र को स्पॉन्सर्ड करने वाले थे वो हमारे नसरुल्ला भाई थे जिन्होंने सफ़र को स्पॉन्सर किया है। तो अभी भी आप अपनी स्पॉन्सरशिप चलाना चाहेंगे सर? तो अभी चलते हैं और रास्ते में आपको सफ़र दिखाते हैं। आज हम ट्रेल 3 पे हैं और ये मेरी लाइफ का सेकंड एक्सपीरियंस था और जो बल्कि ये वाला फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो कि इतना हार्ड था। इस ट्रैक पे पहुंचने के बाद जो हमें व्यू देखने को, ये व्यू है एक खूबसूरत शाम। ये जब आप आते हैं एफ्स को देखने को मिलती है, ये अभी हम किए और ये हम हैं इस्लामाबाद ट्रेल 3 के अम्ब्रेला पॉइंट पे। वो सामने है वज़ीर आज़म हाउस, उसके बाद पार्लियामेंट हाउस, मतलब यहाँ पे आके आपको सब कुछ आपके नीचे, आप सबसे ऊपर हैं इस टाइम। और इसको इंतहाई मुश्किल काम था। जब मैंने शॉट लिया तो मुझे पता चला मेरे हेयर्स भी ख़राब हुए हैं, बट हेयर्स क्या इस टाइम अंदर जो एक भी जो खुशी है वो मैं आपको बता नहीं सकता कि यार आप खुद इमेजिन करें कि आप जब एक पथरीले आसमान की बुलंदियों में पहुंचते हैं और सामने आपको ये व्यू देखने को मिलता है तो आपकी जो खुशी का एक लेवल होता है वो किसी जगह आ गया होता है। और मेरे साथ जो ये सफ़र करने वाला जवान है वो सामने, वो आप देख सकते हैं एक जिन्होंने मेरे साथ किया, वरना वैसे तो ये सब यहाँ पे जिन्होंने इसको उनमें ये सब भी हैं। और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा, इस वजह से हम फिलहाल यहाँ तक ही। इंशाल्लाह वन डे हम वो वहाँ पे जाएंगे, मुकम्मल एक ट्रैक है और इस साइड से जो व्यू मिलता है हमें वो मिलता है लाइक दिस, ये देखें। और ये है किबला, मतलब यहाँ पे आप नमाज अदा कर सकते हैं। और ये भी नीचे जाने का ट्रैक है। जो ऊपर जाने का ट्रैक है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है यहाँ से, मतलब वो देखें ये आ गई आपकी फैसल मस्जिद, ये सामने है यहाँ पे। ये भी कैमरे में आपको क्लियर नज़र नहीं आएगी, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये सेंटोरस माल, मतलब ये आप देख सकते हैं। अब तो क्लाउडी होना शुरू हो गए। एक खूबसूरत यार, बहुत खूबसूरत ट्रैक। और ये है ऊपर जाने का रास्ता जो मैंने आपको बताया ना अभी, ये वहाँ पर जाने का रास्ता है। और ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है। इंशाल्लाह अभी तो हिम्मत नहीं है लेकिन इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम इसे वहां तक जाएंगे। एक सभी उड़ने लगे आंखों में आंसू, मैं तो खो गया, मैं रो रहा, हाथ में दारू हुआ बेकाबू, हर पल हर दम हुआ है सांस, चाहूं तुझे पास। ये दूरियां जिनके पुख्ता हों नजरें, जिनकी खुदा पर हूँ। और हमने इस पथरीले रास्ते को भी
दिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बिल्कुल, कोई नहीं फिर वापस चले। देखो ये देखें जी, ये फाइनली ट्रैक फतेह हुआ। बड़ा ही शॉर्ट सा व्लॉग था, लेकिन बहुत ही मेहनती व्लॉग था। अभी जो कंडीशन है इन करके आने की बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है, तो इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। बहुत जल्द मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ, न्यू कंटेंट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। है मुझ में तू मिटा, अब ख्वाबों में मिले हम किताबों में लिखे अपनी टूटी दास्तां, चौथे सारे हो गुमा अपनी राहों पे चले मेरे, गम ना होते हल्के मैं तो टूटा हूँ यहाँ।